सभी को दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छा बीत रहा हो। तो आज का वीडियो हम लोगों को दुर्गा माता के बारे में ही है कि हर साल हम लोग दुर्गा पूजा तो सेलिब्रेट करते हैं, दुर्गा माता को भी देखते हैं, पर हम लोगों को उनका जो 10 हाथ है, 10 हाथ में जो 10 वेपन है, जो डिफरेंट डिफरेंट भगवान ने उनको दिया था धारण करने के लिए जब वो महिषासुर को वध करने के लिए जा रहे थे, उसका जो सिग्निफिकेंस है, जो हमारे लाइफ से कोरिलेट करता है, उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा जान लेंगे। सो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि माँ के हाथ में जो 10 वेपन्स है, उसका मतलब हमारे लाइफ से कैसे रिलेट होता है। So, सबसे पहले हम लोग त्रिशूल के बारे में बात कर लेंगे। So, त्रिशूल जो है उसका 3 हेड रहता है, तो वो दर्शाते हैं कि हम लोगों का जो पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मिडिल वाला है, जो हम लोगों के प्रेजेंट को दर्शाती है, क्योंकि हम लोग हमेशा ही पास्ट में परे रहते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। पास्ट जो है वो तो हम लोग बदल नहीं सकते, और फ्यूचर जो है वो हम लोग किसी को कोई गारंटी दे के नहीं बता सकते कि यही होगा या फिर ऐसा ही चलने वाला है। पर प्रेजेंट टाइम जो है, प्रेजेंट टाइम तो हम लोग इन्जॉय कर ही सकते हैं, प्रेजेंट टाइम को हम लोग जी भर के जी सकते हैं, हम लोग हम लोग वहाँ पे मेडिटेट कर सकते हैं, वी कैन स्प्रेड लव, स्प्रेड अवेयरनेस, हम लोग प्रेजेंट टाइम को इन्जॉय कर सकते हैं। तो त्रिशूल जो है यही दर्शाती है कि हम लोगों का 3 पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसमें से हम लोग पास्ट को भुला के फ्यूचर के बारे में उतना ना सोच के हम लोग हमारे प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जिए और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। सो इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट खरगा के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। खरगा जो है माता के हाथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही सिग्निफिकेंट वाला एक वेपन है। खरगा जो है वो ये सिग्निफाई करते हैं कि हम लोगों के लाइफ में ऐसा कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी नीड है या फिर कोई भी ऐसा ख्याल है, थॉट प्रोसेस है, जो हम लोगों को हमारे आत्मा को कोई भी अच्छा काम करने में या फिर कोई अच्छा सोच आने में या फिर वैसा ही कुछ करने में हम लोगों को रोक रही है। तो वैसा कोई भी थॉट्स, कोई भी चीज़ को हम लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, जो हम लोगों को हमारे ह्यूमैनिटी की ओर से दूर लेके आए, वैसा कोई भी थॉट, वैसा कोई भी चीज़ जो है उसको हम लोगों को निकाल देना चाहिए लाइफ से, एंड हम लोगों को बुद्धिमानी से एंड थोड़ा सा कंपैशन से एंड थोड़ा सा लव एंड केयर से सबके साथ मिलके रहना चाहिए एंड सबको अच्छे से प्रेम से उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। सो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे सुदर्शन चक्र के बारे में। सो सुदर्शन चक्र जो है वो हम लोगों का जो लव, डिवोशन, लॉयल्टी, ये सब जो है माँ दुर्गा के प्रति, इसको दर्शाती है कि अगर हम लोग उनको प्रेम करेंगे, उनको उनकी ओर डिवोटेड रहेंगे, उनका आराधना करेंगे, तो वो हम लोगों के जो पुकार को है वो हमेशा वो उसको हम लोगों के पुकार को वो सुनेंगे एंड हम लोगों को वो भरपूर आशीर्वाद देंगे। इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट वेपन की ओर चले जाएंगे, जो कि है वज्र। वो एक थंडरबोल्ट जैसा चीज़ होता है जो उनके हाथ में है, एंड ये चीज़ जो है ये हमारे आत्मा के फर्मनेस को दर्शाती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम में आए, जब भी कोई दिक्कत आए लाइफ में, अगर हम लोग मन से एकदम प्योरिटी से माँ को बुलाते हैं तो फिर वो हमारे मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे, एंड अपने हमारे जो अंदर कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ किए बगैर ही वो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट वेपन की ओर चले जाएंगे। नेक्स्ट जो वेपन है वो है तीर धनुष, बो एंड एरो। सो एरो जो है वो ये सिग्निफाई करता है कि हम लोगों को एक एम रखना चाहिए और उस एम की ओर हम लोगों को फोकस रहना चाहिए ताकि वो एम को हम लोग अटेन कर पाए, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को अपना काम करना चाहिए, अपना प्लानिंग करना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल भी करके रखना चाहिए। एंड जो बो है, उस बो का मतलब यही है कि हम लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है वो हम लोगों को खुद को पता रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के अंदर पोटेंशियल क्या है वही हम लोगों को नहीं पता होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बो का सिग्निफिकेंस यही है कि हम लोगों को पता रहना चाहिए कि हम लोगों का पोटेंशियल क्या है एंड उस अकॉर्डिंगली हम लोगों को अपना एम रेडी करना चाहिए एंड उसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए।
अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हम लोग अपना लक्ष्य जो है वो ज़रूर भेद पाएंगे एंड हमारे लक्ष्य तक पहुँचने में माता भी हम लोगों को मदद करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग भर्जी के बारे में बात कर लेंगे। भर्जी जो है वो एक शील्ड है एंड वो हमारे लाइफ में यही सिग्निफाई करते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो एक यू नो मैजिकल पावर है जो कि सभी प्रॉब्लम्स से सभी दिक्कतों से हम लोग लड़ पाते हैं, कोई भी स्ट्रगल हो उससे हम लोग लड़ के जीत पाते हैं। ये जो यू नो एक यूनिक सा पावर है ह्यूमन के अंदर जो कि दिखाई नहीं देता बट उनके अंदर है तो उसको ही दर्शाती है। वो हम लोगों को जो शील्ड है वो हम लोगों को हम लोग देखते हैं कोई मूवीज़ में या कहीं पर भी कि वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारे लाइफ में यही चीज़ बताते हैं कि कोई भी गलत काम या फिर कोई भी बुरा चीज़ हम लोग ना करें एंड उससे हम लोग अपने थॉट्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कोई भी नेगेटिविटी से कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस से उससे हम लोग अपने आप को अपने थॉट्स को अपने यू नो अंदर आत्मा को प्रोटेक्ट करें। बट कभी भी हम लोग अगर देख रहे हैं कि किसी के साथ बुरा हो रहा है, कोई गलत सोच रहा है, कोई गलत बोल रहा है तो उसको भी रोके, क्योंकि ये तो चीज़ आपने सुना ही होगा जो गलत करता है और जो गलत सहता है दोनों ही सेम यू नो गुनाह का भागीदारी होता है। तो ये हम लोगों को यही दर्शाते हैं कि कोई भी गलत काम हम लोग खुद से ना करें पर अगर हम लोग कोई गलत काम होते हुए भी देख रहे हैं तो उससे भी दूसरे इंसान को प्रोटेक्ट करें बिकॉज उसका मेन काम ही प्रोटेक्शन का है। सो हम लोग इसी के साथ साथ नेक्स्ट वेपन की ओर चले जाएंगे। नेक्स्ट है शंख। सो शंख से जो शंख का जो ध्वनि निकलता है, जो सुर निकलता है वो ओम या फिर ओम का निकलता है। तो ये जो साउंड पर्टिकुलर साउंड है ओम, ये साउंड का बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग है एंड बहुत सिग्निफिकेंस है। ये माना जाता है कि जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ था तब जो सबसे पहला साउंड हुआ था वो ओम का हुआ था। सो इस ओम जो है इसके अंदर इतना पावर है, इतना ये शक्तिशाली है कि हमारे आसपास में कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिविटी अगर है और हम लोग ओम का नाम लेते हैं या ओम पुकारते हैं या फिर ध्यान करते हैं ओम करके या फिर शंख ध्वनि बजाते हैं जिससे ओम का सुर निकलता है, उससे वो नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव एनर्जी जो है वो एकदम यू नो चले जाती है एंड इट गेट रिड्स ऑफ इट। सो इसी के साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट वेपन की ओर बढ़ जाएंगे। सो नेक्स्ट जो है वो वेपन नहीं बट माँ के हाथ में वो भी रहता है। सो नेक्स्ट जो है वो है लोटस। लोटस जो है एक फूल है, हम सभी को पता है। सो इसका सिग्निफिकेंस लॉर्ड हनुमान जी से है कि लॉर्ड हनुमान जी जैसे राम की ओर डिवोटेड थे, उनसे प्रेम करते थे, हमारे लाइफ में भी हम लोगों को वैसे ही यू नो ह्यूमैनिटी के ऊपर डिवोशन और उनके ऊपर प्रेम रहना चाहिए एंड ये चीज़ अगर हम लोग अपने अंदर रखते हैं तो फिर हम लोगों को वैसे ही काम करना चाहिए विदाउट थिंकिंग कि क्या आउटकम निकलने वाला है। अगर वैसे ही हम लोग यू नो अच्छाई की ओर एंड अच्छा काम करेंगे विदाउट थिंकिंग द आउटकम तो ऑलमाइटी वो चीज़ हमेशा देखेगा एंड अकॉर्डिंगली भगवान हम लोगों को हेल्प भी करेगा एंड हमारे साथ भी रहेगा। तो ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि आप अगर कभी भी किसी को हेल्प करते हैं, कभी भी किसी को मदद करते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग कि वो यू नो आपको हेल्प करेगा, आपके पास रहेगा, आपके साथ रहेगा या नहीं, तो ऐसा होता है कि भगवान आपके साथ रहता है कि जब आपका मुश्किल टाइम आता है वो इंसान रहे या ना रहे आपको उस टाइम की और या फिर उस टाइम पीरियड जब आपका नेगेटिव थॉट्स आ रहा है या फिर आप बहुत प्रॉब्लम्स में हैं उस टाइम में भगवान आपको उस टाइम के यू नो पैसेज के थ्रू आपको प्रोटेक्ट करके ले ही जाता है। सो इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट यू नो एंड द लास्ट वेपन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है स्नेक। स्नेक जो है वो हम लोगों का जो कॉन्शियसनेस है उसको और द मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ जो शिवा है शिवा को दर्शाती है क्योंकि शिवा ने ही स्नेक दिया था दुर्गा माता को।
सो यही था माता की 10 हाथ एंड उसका जो 10 वेपन है उसका सिग्निफिकेंस एंड हमारे लाइफ में वो हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं एंड हाउ इज़ इट रिलेवेंट कि उनका 10 वेपन महिषासुर जो नेगेटिव हम लोगों का लाइफ में नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव यू नो चीज़ें है प्रॉब्लम्स है उसको नाश करने में हम लोगों के लाइफ में मदद कर सकती हैं। सो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। विशिंग एवरीबडी अगेन अ वेरी 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 हैप्पी दुर्गा पूजा। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत एंजॉय करेंगे एंड हमारे कमेंट सेक्शन में अगर आपके दुर्गा पूजा में कोई स्पेशल मोमेंट्स है या फिर अगर आपको कुछ शेयर करना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा एंड ऐसी ही वीडियोज़ हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू सपोर्ट अस। थैंक यू ऑल।